हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक है आपका नेम रिएक्शन का। आज की हमारी नेम रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो क्या होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। तो हम करते क्या है इसमें, जब हम किसी प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म या एल्कोहली KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है। जब हम किसी प्राइमरी एमीन, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एथिल एमीन ली है C2H5NH2, ठीक है। जब किसी हम प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए, C2H5NH2 लेते हैं तो वो होगा आपका एथिलेमीन, और अगर हम C6H5NH2 लेते हैं तो एनिलीन। दोनों के साथ आप रिएक्शन करा सकते हैं, आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया दोनों के साथ ही बनती है। तो देख सकते हैं आप, जब किसी प्राइमरी एमीन की क्रिया हम क्लोरोफॉर्म या एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। तो बेसिक चीजें पहले आप जान लीजिए कि किसका क्या फॉर्मूला है, तो रिएक्शन बनाने में आपको आसानी होगी। आप एथिलेमीन से भी करा सकते हैं, एनिलीन से भी करा सकते हैं, उपस्थिति तो KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ ही होगी। इन्हीं के साथ हम क्रिया कराएंगे, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, चाहे एथिलेमीन ले लीजिए चाहे एनिलीन ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रिएक्शन का। तो रिएक्शन देख लीजिए, हमने लिया है एथिलेमीन C2H5NH2 और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली KOH के साथ, ठीक है। तो बनता क्या है आपका C2H5, इसको हम इस तरह से भी लिख रहे हैं, C2H5 जो है उसको हमने लिखा है CH3CH2 और बन रहा है आपका आइसोसाइनाइड। तो इन नाइट्रोजन लेंगे, नाइट्रोजन क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और किसके साथ, कार्बन के साथ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये बन गया आपका आइसोसाइनाइड, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं C2H5N CCC, ये आपका आइसोसाइनाइड है। तो हमने क्या किया है, इसको और अच्छे से तोड़ दिया, CH3CH2N CCC। अब इसमें क्या है, 3K है, तो 3K और 3 भाग क्लोरीन भी है, तो ये आपका बन गया पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। सिंपली आपका तीन पोटेशियम के भाग थे और 3 ही भाग क्लोरीन था, तो 3 भाग KCl बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन है 6 भाग, गिन लीजिए 3 KOH वाला, KOH में जो हाइड्रोजन है 3 भाग ये है, एक CH क्लोरोफॉर्म वाला और NH2 यानी एमीन वाला, ठीक है। 6 हाइड्रोजन थे तो हमने बैलेंस कर लिया 3H2O, देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन के 6 भाग और 3 भाग तो ऑक्सीजन KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में लगे हुए थे, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड बना और पोटेशियम क्लोराइड के 3 भाग बने और 3 ही भाग आपका जल बन गया है, देख सकते हैं आप। एथिलेमीन की क्रिया जब हमने क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो एथिल आइसोसाइनाइड बना और पोटेशियम क्लोराइड के 3 भाग निकल गए और 3 ही भाग आपके जल के अणु भी बन चुके हैं, देख सकते हैं आप। ये हमने क्रिया कराई है एथिल एमीन के साथ। अब हम क्या करेंगे, एनिलीन के साथ अगर हम इसकी क्रिया कराएं तब क्या होगा। तो हमने यहाँ पे लिया है एनिलीन, NH2 लगा दिया है, C6H5NH2 भी लिख सकते हैं या बेंजीन रिंग में भी आप लगा सकते हैं। हमने लिया है सिंपली एनिलीन और क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करा रहे हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनेगा क्या। अभी हमने जब एथिलेमीन के साथ क्रिया कराई थी तो एथिल आइसोसाइनाइड हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे हम एनिलीन के साथ क्रिया करा रहे हैं, C6H5NH2 के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आइसोसाइनाइड बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा, क्योंकि C6H5 लग रहा है ना और आइसोसाइनाइड यानी नाइट्रोजन के साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो अभी बना था आपका एथिल आइसोसाइनाइड, अब बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड, क्योंकि C6H5 बेंजीन वाला समूह है, इसलिए ये आपका हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड के और जल के अणु भी हो जाएंगे बाहर। तो आई होप आपको कार्बिल एमीन अभिक्रिया समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।